जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदार गीता चरोरा ने भाजपा व प्रशासन पर नामांकन से रोकने तथा झूठे मुकदमे का आरोप लगाते हुए की प्रेसवार्ता। प्रेसवार्ता के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदार गीता चरोरा के साथ आरएलडी के नेता सुनील चरोरा, गीता के पति सपा नेता पिंटू प्रमुख उर्फ भगवंत सिंह, बादल यादव, हरीश लोधी आदि उपस्थित रहे। गीता चरोरा ने प्रेस वार्ता के दौरान अपनी बात रखते हुए कहा, प्रशासन पूरी तरह भाजपा के दबाव में था और वह नहीं चाहता था हम किसी भी कीमत पर नामांकन करें। इस कारण उन्होंने झूठे मुकदमे लगाकर हमें घर से निकलने ही नहीं दिया और मेरे पति को घर से निकलते ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और दिन भर उनको इधर से उधर घुमाती रही कि जिससे नामांकन का समय निकल जाए। वहीं सुनील चरोरा ने कहा, पूरे मामले की शिकायत हमने राष्ट्रीय चुनाव आयोग लखनऊ से की है और हम अपने अधिकार के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। अगर 8 दिन में हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो हम रालोद, सपा और आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन कर जिलाधिकारी का घेराव करेंगे। पिंटू प्रमुख ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा, आप देख ही रहे हैं, पहले सुनील चरोरा के घर व गांव पर पुलिस ने छापेमारी, उसके बाद सिकंदराबाद एक स्कूल में जब शांतिपूर्वक हम मीटिंग कर रहे थे तब पुलिस ने लगभग 20 जिला पंचायत सदस्यों को जबरन उठाकर बंद कर दिया, बाद में मीडिया के पहुंचने पर छोड़ा गया। अब हमें नामांकन से रोकने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं। सपा नेता बादल यादव ने कहा, लोकतंत्र की हत्या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, भाजपा की तानाशाही नहीं चलने देंगे। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर एक बड़े आंदोलन की तैयारियां कर हर उस जिले में जहां भी बीजेपी ने दमन की नीति अपनाते हुए लोकतंत्र की हत्या की है अन्य पार्टियों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आज जो है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई, अब आप पूर्व में 2 महीने से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियां चल रही है। हमारे मैं समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, पूर्व में मेरी मैडम जिला पंचायत सदस्य रही, अब हमारी वार्ड से हमारे लटूर सिंह जी समाजवादी के कैंडिडेट के रूप में चुने गए हैं जिला पंचायत सदस्य जी। तो उस चुनाव के मद्देनजर हम विपक्ष के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर के हमें विपक्ष में चुनाव लड़ना है, इसलिए कि हमारी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो सीट है वो महिला के लिए रिजर्व थी और समाजवादी के जो दोनों कैंडिडेट जीते हुए वो पुरुष थे, तो हमें विपक्ष में गीता चरोरा और आशा यादव जो राष्ट्रीय लोकदल से दोनों चुनी हुई है उनमें से किसी एक को चुनना था। तो दोनों का ही उस क्रम में हम अपना काम कर रहे थे विपक्ष के रूप में कि विपक्ष कैसे जीते। उसी क्रम में प्रशासन ये घबराया हुआ था कि समाजवादी का जो मेंबर जीते सब शिकारपुर से, तो वहाँ क्षेत्रीय नेता मंत्री भी हैं, उनमें बौखलाहट थी। उस बौखलाहट में मेरे परिवार के खिलाफ, मेरे खिलाफ 308 का मुकदमा पहले पंजीकृत हुआ, फिर मेरे परिवार वालों के खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा पंजीकृत हुआ, और अब लास्ट में आप देखते हैं कि जिस दिन से मैंने 22 तारीख में गीता चरोरा जी का और आशा यादव जी का नॉमिनेशन फॉर्म खरीदवाया है उस दिन से मेरे खिलाफ पुलिस दबिशें बढ़नी शुरू हुई, और इसी के क्रम में सिकंदराबाद कोतवाली के अंतर्गत चंद्रकांता महाविद्यालय में 25 तारीख को संयुक्त विपक्ष की, जिसमें हमारे पार्टी की तरफ से बादल यादव जी पूर्व महासचिव और हमारे हरीश लोधी जी पूर्व प्रत्याशी दिवाई, और हम सब उस बैठक में सम्मिलित हुए जिस बैठक में विपक्ष का संयुक्त प्रत्याशी गीता चरोरा आशा यादव में से एक तय होना था। उसी टाइम सीओ की गई बताइए किन दिनों सभी पत्रकार बंधुओं को मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो 3-4 दिन में मेहनत करी है उससे लोकतंत्र जिंदा है। मैंने आज हम सबने ये प्रेस इसलिए बुलाई है, पहले मैं परिचय करा दूं, इधर बैठे हैं हमारे हरीश लोधी जी समाजवादी के नेता और पूर्व प्रत्याशी डिवाइस है, हमारे बादल यादव जी समाजवादी से महामंत्री, और मैं सुनील चरोरा रालोद राष्ट्रीय लोकदल नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य, मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य जो रिकॉर्ड मतों से जीती हैं इस बार, और हमारे पिंटू प्रमुख साहब जो उपाध्यक्ष हैं समाजवादी में और समाजवादी के नेता हैं, और हमारे राकेश चौधरी जो भारतीय किसान यूनियन से। आज इस प्रेस को बुलाने का जो मकसद था, जो पीछे अध्यक्ष पद का जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा था उसके घटनाक्रम में
मैं कुछ जानकारियां आपको दूंगा, फिर बाकी हमारे साथी देंगे। इस जिला पंचायत के जो साथी बैठे हैं, चाहे हरीश लोधी जी हैं, चाहे बादल यादव जी हैं, चाहे पिंटू प्रमुख साहब हैं, इन्होंने इस चुनाव में जो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के विपक्ष में जो भूमिका थी, इन लोगों की बड़ी मजबूत भूमिका थी। मैं बताना चाहता हूँ, जब चुनाव डिक्लेयर हो गया, 26 तारीख को नामांकन करना था, 29 तारीख को नाम वापस होना था और 3 तारीख को मतदान होना था। 22 तारीख को, 21 तारीख को जब हम वहाँ पे गए पंचस्थनी कार्यालय पे, तो हमें टिकट लेने से मना कर, फिर अगले दिन जब हम गए 22 तारीख को, तो टिकट लेने से उन्होंने फॉर्मेलिटी बताई कि प्रत्याशी का होना आवश्यक है, जबकि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, टिकट कोई भी खरीद सकता है। तो फिर हम प्रत्याशी को लेकर पहुंचे 23 तारीख में। जब प्रत्याशी को लेकर पहुंचे, उन्होंने कहा कि प्रत्याशी के साथ सर्टिफिकेट, जो जीत का सर्टिफिकेट है, और आधार कार्ड होना चाहिए। बहरहाल वो भी मंगा लिए और हमने 2 टिकट खरीदे। जिला प्रत्याशी को कल रोका गया, तरह तरह के मुकदमे उन पे दर्ज किए गए, उसके बाद में फिर नामांकन के लिए नहीं आने दिया, क्या कहना? कहना ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस झूठे मुकदमे कर हमारे प्रत्याशी को रोकने की कोशिश की गई है, बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम समाजवादी लोग हैं, हम इन मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। व्यापारी लोगों को, व्यापार करने वाले लोगों को, नौकरी पेशा करने वाले लोगों को ये लोग डरा सकते हैं, पर हम लोग किसान के बच्चे हैं, किसानों की हक की लड़ाई लड़ते हुए आए हैं, और उसी क्रम में हमने एक किसान की बेटी को अपना कैंडिडेट बनाने का फैसला लिया था, उनको हम चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, पर झूठे मुकदमे कर जिस तरीके के तुच्छ मानसिकता के साथ इन्होंने छोटी मानसिकता का परिचय देते हुए गैंग रेप का मुकदमा हमारे प्रत्याशी के पति और हमारे प्रत्याशी के सहयोगी और उसमें स्वयं हमारी प्रत्याशी श्रीमती गीता चौरा जी के खिलाफ एक गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराया, डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि जिस तरीके से आप महिला का प्रयोग कर रहे हैं, आप कहते हैं महिला सुरक्षा की बात करते हैं और एक तरफ एक झूठा मुकदमा एक महिला को, एक महिला अपने पति के साथ गैंग रेप कर रही किसी दूसरी महिला का, कहीं भी कोई भी रास्ता चलता हुआ आदमी कह सकता है कि ये झूठा मुकदमा है।